नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक गौर। भारत और पाकिस्तान के बीच में साल 1960 में एक समझौता हुआ, सिंधु जल समझौता। इस संधि में विश्व बैंक ने मध्यस्थता की थी। संधि ने निर्धारित किया था कि सिंधु नदी प्रणाली की 6 नदियों के जल को भारत और पाकिस्तान के बीच में कैसे साझा किया जाएगा। इसके तहत 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, चिनाब और झेलम को अप्रतिबंधित जल उपयोग के लिए पाकिस्तान को आवंटित किया गया। भारत द्वारा कुछ गैर उपभोग्य कृषि एवं घरेलू उपयोगों को छोड़कर अन्य 3 पूर्वी नदियों रावी, ब्यासी और सतलज को अप्रतिबंधित जल उपयोग के लिए भारत को आवंटित किया गया था। इसका मतलब ये है कि जल का 80% हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, जबकि शेष 20% जल भारत के उपयोग के लिए छोड़ दिया गया। अब पाकिस्तान में इस संधि को लेकर के एक बार फिर से नई चर्चा छिड़ गई है। पाकिस्तानी संसद नेशनल असेंबली में भी इसको लेकर के पक्ष और विपक्ष के बीच लंबी चौड़ी बहस हुई, लेकिन इस बार कुछ अलग देखने को मिला। इस बार पाकिस्तानी सरकार ने भारत के फैसले का सम्मान किया और कहा कि रावी नदी पर पूरी तरह से भारत का ही अधिकार है और हम भारत के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में नहीं जा सकते। पाकिस्तान के कानून मंत्री आजम नजीर तरार ने कहा कि ये संधि हमें कानूनी रूप से बाध्य करती है कि हम पड़ोसी देश के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न जाएं। तरार ने पाकिस्तानी संसद में एक चर्चा के दौरान कहा कि पाकिस्तान और भारत के बीच एक जल संधि है, रावी नदी के पानी पर पूरा अधिकार भारत पर है और हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। आपको बता दें कि पाकिस्तानी संसद में सिंधु जल संधि को लेकर के सवाल पूछा गया था कि रावी नदी पर भारत की आक्रामकता को लेकर पाकिस्तान सरकार क्या कर रही है। इस सवाल का जवाब देते हुए पाकिस्तानी कानून मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के बीच एक जल संधि है, हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इस मुद्दे पर भारत के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस का सहारा भी नहीं लिया जा सकता। इस मामले में पीटीआई एमएनए जरताज गुल ने तरार पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि आज कानून मंत्री ने रावी नदी पर भारत का अधिकार स्वीकार कर लिया है, जो खेदजनक है। हालांकि कानून मंत्री तरार ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि कानूनी मुद्दों का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस संधि पर साल 1960 में दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए थे, हालांकि भारत इससे बाहर निकलना चाहता है, लेकिन आईसीजी ने इसे बाहर निकलने से रोक दिया, यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इसे भारत को बाहर निकालने से रोक दिया। द न्यूज इंटरनेशनल ने दावा किया है कि भारत ने शाहपुर कंडी बैराज के पूरा होने के साथ रावी नदी से पाकिस्तान की ओर पानी का प्रवाह रोक दिया है। शाहपुर कंडी बैराज पंजाब और जम्मू कश्मीर में सीमा पर स्थित है, यानी कि पहली बार पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि मामले पर ही कबूल किया है कि रावी नदी पर पूर्णतः भारत का अधिकार है। क्या कुछ कहेंगे आप पाकिस्तान के इस कबूलनामे पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।